प्रवीण ग्रेवाल आपका अपना दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल माय हीरोज हेल्थ पे। एक बार फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा वीडियो है केल मुहासे दाग धब्बे कैसे ठीक करें। वैसे तो दोस्तों इन सब को ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय है पानी। पानी पीने से हमारे शरीर के विषैले पदार्थ हमारे शरीर से पसीने और पेशाब के जरिए बाहर निकल जाते हैं, जिससे हमारा चेहरा निखर जाता है। अगर हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो ये विषैले पदार्थ केल मुहासे और झुर्रियों के जरिए हमारे शरीर से बाहर निकलने लगते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन केल मुहासों और काले धब्बों को कैसे ठीक करें। यदि केल मुहासे मुरझा कर दाग छोड़ गए हैं तो इन दागों को ठीक करने के लिए आप नीम के बीजों को सिरके में पीस कर इसका लेप तैयार करें और इस लेप को 5 से 7 दिन तक इन दागों पर लगाएं। ऐसा करके आप अपने दाग धब्बों को ठीक कर सकते हैं और आपका चेहरा पहले की तरह खिल जाएगा। काले दागों को मिटाने के लिए आप तुलसी का रस और नींबू का रस समान मात्रा में लें और इसे रात को सोने से पहले कॉटन की मदद से अपने फेस पर अप्लाई करें। ऐसा करके कुछ ही दिनों में आप फर्क महसूस करेंगे और देखते ही देखते कुछ दिनों बाद आपकी त्वचा निखरने लगेगी। अगर आपके फेस पर फुंसियाँ हैं तो नींबू के रस का प्रयोग ना करें। और इसी के साथ आप ये भी ध्यान रखें, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो अपने मुंह को ढक के रखें, अपने मुंह को गंदे हाथों से ना छुएं। अपने मुंह को साफ करने के लिए आप किसी सूती साफ कपड़े का यूज करें। किल मुहासों को अपने नाखूनों से ना छुएं और तेल व मसाले वाले पदार्थों का सेवन कम से कम करें और सब्जियों का सूप व फलों के रस का जितना ज़्यादा हो सके सेवन करें। अगर दोस्तों आपको किसी प्रकार की एलर्जी है तो इन नुस्खों का प्रयोग करने से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।